डीजल और रसोई गैस समेत देश में लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से इस वक्त जनता तो त्राही त्राही कर ही रही है, वहीं विपक्ष में उबाल देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अलका लांबा भी गैस सिलेंडर पर फिर से पैसे बढ़ाए जाने पर भड़क उठी। अलका लांबा ने कहा कि समय आ गया है कि महंगाई की मार का नारा देने वाली मोदी सरकार को अब ठोकर मार कर सत्ता से बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि आखिर बेरोजगारी महंगाई के इस दौर में और कब तक आम गरीब जनता को यूं ही पिसना पड़ेगा। एक महीने के अंदर अंदर सीधा 125 रुपए और अगर दो महीने में देखेंगे तो लगभग सीधे 200 रुपए घरेलू गैस के सिलेंडर में भाजपा की मोदी सरकार ने बढ़ाई। वही सरकार है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब भाजपा सरकार को ठोकर मार ये आपको करना होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, ये कांग्रेस की समस्या नहीं है कि कांग्रेस की समस्या है इसलिए कांग्रेस इसको मुद्दा बनाए। ये आम जन से देश की इस महंगाई बेरोजगारी के दौर में लगातार जेब में डाके डालने का काम केंद्र की भाजपा मोदी सरकार कर रही है। शायद इसलिए कर रही है, उन्हें लगता है कि आपको किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और जब तक आपको फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप सड़कों पर नहीं आते, तब तक वो आपकी जेबों में डाका डाल डाल के जितना उगाही कर सकते हैं, जितना आपसे निकलवा सकते हैं वो निकलवाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ साथ सभी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में गरीब जनता की जेब पर भारी असर देखने को मिल रहा है। वहीं विपक्ष इसको लेकर मोदी सरकार को लगातार कोस रहा है।